आई थिंक की तारीफों का ये होता है कि यू uh, नो you know, कभी भी काफ़ी नहीं पढ़ते बट uh, मुझे लगता है कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जो वीरे दि वेडिंग में, में मेरा जो रोल है उसे इतना सराहा गया इतनी प्रशंसा मिली uh, साक्षी मेरे लिए बहुत uh, एक हटकर किरदार था मैंने ऐसा अपने करियर में पहले कभी नहीं किया मैं काफ़ी नर्वस थी uh, साक्षी uh, को जब एक्सेप्ट किया मैंने उस रोल को सो uh, so, हाँ अब अब ऐसे लग और मेरे को सबसे बड़ा डर था कि क्या मुझसे हो पाएगा क्योंकि आज तक मैंने बहुत ज़मीनी किरदार किए हैं हमेशा बहुत देसी अवतार में एक कामगार वर्ग या एक निचले मध्य वर्ग के किरदार करें तो मुझे लग रहा था कि मैं अमीर बन पाऊंगी कि नहीं लाइक हो पाएगा मुझसे सो आई थिंक वो मेरे को बहुत ऐसे रिलीफ की फीलिंग हुई कि चलो निकल गया लेकिन फिल्म ने बहुत कमाल का बिजनेस बहुत अच्छी ओपनिंग के साथ शुरुआत की और मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इस तरह की फिल्म आई है चार दोस्तों की कहानी फीमेल दोस्तों की कहानी पर्दे पर, पर आई है तो क्या लगता है बॉलीवुड में अब महिलाओं के वाकई अच्छे दिन आ गए हैं आई थिंक बहुत अच्छे दिन है बॉलीवुड uh, uh, मुझे लगता है बॉलीवुड के बड़े अच्छे दिन आ गए हैं क्योंकि uh, जो भी uh, जो भी फील्ड महिलाओं को जगह देनी शुरू करे वो उसके अच्छे दिन आ ही जाते हैं आई थिंक आई थिंक दैट बहुत मेरे लिए बहुत खास है मुझे लगता है कि वीरेदी वेडिंग का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो सिर्फ पैसे नहीं है वो एक एक उम्मीद भी है वो एक एक तरीके से एक एक सक्सेस है क्योंकि कई कई वर्षों तक लोगों को लगता रहा और शायद यही चलन था कि जो महिला केंद्रित फिल्में थी जो महिला केंद्रित कहानियाँ थी वो पैसे नहीं बनाती थी या उतने पैसे नहीं बनाती थी जितने हीरो केंद्रित फिल्में बनाती हीरो केंद्रित फिल्में बनाती थी सबको लगता था कि ट्रेड के अंदर खास करके कि वो महिला के अंदर फिर ओपनिंग नहीं देती वीरे दी वेडिंग शायद पहली वो फिल्म है जिसमें चार लड़कियां हैं और कोई बड़ा है, मेल स्टार नहीं है लेकिन पहले फ्राइडे पे डबल डिजिट करोड़ की ओपनिंग दी है वीरे दी वेडिंग ने और अब आगे जाके यू नो आई होप अच्छे पैसे कमाएगी अगर और आई होप सौ करोड़ पार करेगी लेकिन सोना जब भी आप किसी चीज़ को लेकर के अपने विचार रखती हैं ट्विटर पर तो क्या लगता है कि वहाँ पे पेड यूजर्स भी हैं जो जाहिर तौर पर आपको टारगेट करते हैं हर बात मतलब मुझे लगता है कि अगर एक ही ट्वीट है जो पचास हजार लोग मतलब वही ट्वीट बिना शब्द को मतलब एक भी शब्द की हेर फेर नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक भी सेम है पूरा व्याकरण भी सेम है तो फिर लगता है ना कि यार ये मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पचास हजार लोग एक ही तरह के तरीके से लिख रहे हैं सो फिर लगता है कि हाँ इसके पीछे कोई दूसरा हाथ है बट uh, जैसा कि मैंने कहा कि ये दादी वाले ट्वीट पे तो वो पकड़ा गया एंड uh, मेरे मेरे साथ ये भी हुआ है कि कई सारे फेक ट्वीट्स बनाए गए मेरे या फोटोशॉप करके मेरे मेरे इमेज के साथ गलत uh, जो यू नो मीम्स बनाए गए हैं तो वो सब तो हुआ ही है मतलब उस, उसके प्रति थोड़ा ऐसे यू you नो know, सचेत रहना पड़ता है कि

मैं अब इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ तो मैं पहले का तो मुझे नहीं पता कि कैसे होता था लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं आई थिंक कि जब पद्मावत में दीपिका को टारगेट किया जा रहा था तो हम सब ने बोला था कि ये गलत है आमतौर पर लोग बोलते हैं कि दिल्ली महिलाओं के मामले में सेफ्टी के मामले में सेफ नहीं है लेकिन अब दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने से देखा जाए तो हर महीने कई खबरें आती हैं महिलाओं की सेफ्टी से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ क्राइम किसान मुझे लगता है कि महिलाओं पर जो हिंसा है वो तो हमेशा से हो रही है बट uh, uh, और अब uh, मुझे लगता है अच्छी चीज़ है कि अब ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है क्योंकि कहीं पे ये भी एक मानसिकता का शिफ्ट है क्योंकि हमारे देश में ये भी पाया गया था कि जुर्म तो होते थे जैसे बलात्कार फॉर एग्जांपल होते थे लेकिन जो पीड़िता है वो वो कभी रिपोर्ट ही नहीं करते थे क्योंकि उस उसका शर्म इतना है कि आप क्राइम को रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे क्राइम ऐसे अनडिटेक्टेड चले जाते थे तो आई थिंक कि एक तो कि क्राइम्स रिपोर्ट हो रहे हैं वो वो अपने आप में एक्चुअली एक अच्छी बात है होना चाहिए बट ऑब्वियसली वो जो नंबर्स देख के फिर आपको लगता है कि यार क्या समाज क्या है हम क्या हो रहा है मुझे लगता है कि हिंसा जो औरतों के खिलाफ है उसको हर लेवल पे आपको टैकल करना पड़ेगा उसको आपको कानून के लेवल पे टैकल करना पड़ेगा उसको आपको पुलिस के लेवल पे टैकल करना पड़ेगा उसको आपको पार्लियामेंट के लेवल पे लॉज के लेवल पे टैकल करना पड़ेगा उसको आपको मानसिकता और शिक्षा के लेवल पे टैकल करना पड़ेगा आपको बच्चों को मतलब स्कूल से प्राइमरी स्कूल से हमें हमारे लड़के और लड़कियों दोनों को जेंडर सेंसिटिव बनाना पड़ेगा जो लिंग आ, आ, से रिलेटेड हिंसा है उसके प्रति सेंसिटिव करना पड़ेगा एजुकेट करना पड़ेगा मतलब हम तो ऐसे ऐसे जगह पे है ना कि जहाँ पे एक ये मेंटेलिटी की है भी है मतलब औरतों में कि हम मारते हैं पर प्यार भी करते हैं तो ये तो मानसिकता है ना ये तो औरतों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी ना तो आई थिंक कि वो इसलिए वो जो लड़ाई है वो उसके कई पहलू हैं चलिए थैंक यू सो मच हमसे बात करने के thank लिए थैंक यू थैंक यू शिखा थैंक यू